ये जो लोगों के गार्जियन अभिभावकों के मन में जो घर बैठ गया है घर करके कि हमारा बच्चा 95 नहीं ले आया, पड़ोसी का बच्चा 95-98 ले आया। तो जब पेरेंट और टीचर मीटिंग होती है या पेरेंट जो स्कूल ये काम नहीं करेगा वो स्कूल नहीं चल पाएगा, क्यों? जब बच्चा निकल के जाएगा उसके गार्जियन कहेंगे अरे वहां पढ़ के आए तो कुछ नहीं करता है, बेकार साबित होगा, बेकार हो जाएगा बच्चा। कभी कभी आप पिताजी के पॉकेट से कुछ पैसे भी चुरा लेते हैं, ये लिखा है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं आएगी जिससे कि वो समाज में कम्पटीट कर सके। मैं 3-in-1 हूँ, तो 3-in-1 अपने आप को समझाता हूँ कि मेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी 3 IAS के बराबर है। मेरा तो मानना है कि ये जो हमने क्लासरूम कोचिंग कर दी है ये रट्टा एप्लीकेशन करके वो नंबर तो ले आता है लेकिन ये जीवन में प्रैक्टिकली उतार नहीं पाता। नमस्कार, मैं हूँ आलोक शुक्ला और आज हम आपसे जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आज हम बच्चों के भविष्य की बात करने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज पर बात करने वाले हैं और बच्चे कैसे समाज में प्रगति कर सकें, कैसे आगे बढ़ सकें, इस पर चर्चा करेंगे और कैसे अपने देश को प्रगति के मार्ग पर ले चले इसकी पूरी बात हम करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हुए हैं उन्हें सुनकर आप भी ये जरूर कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे देश का भविष्य सुधरने वाला है। तो सबसे पहले उनका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ IAS डॉक्टर हीरालाल जी जुड़ गए हैं जो क्लाइमेट चेंज पर बहुत अच्छी बात करते हैं, क्लाइमेट लीडर इनको कह सकते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है डायनेमिक DM। हमारे देश में 3 सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, PM, CM और DM, जो सीधा सीधा पब्लिक से जुड़े होते हैं, पब्लिक के वेलफेयर से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर हीरालाल साहब हैं जो 2009 बैच के IAS हैं। तो सर आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं, मैंने आपका एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा फेसबुक पर और उसमें मैंने पाया कि आप सब्जी की एक रेड़ी लगी हुई है और आपने कहा कि ग्रामीण मॉल है। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ, गांव से आप बड़े जुड़े हुए हैं। जी सही बात है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे ग्रामीण परिवेश से, बस्ती के एक छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े पद पर आना और फिर समाज के लिए काम करना, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे आप आगे बढ़े? देखिए ऐसा है कि मैं जनपद बस्ती के मलाखाम घाट के गांव बागडी का रहने वाला हूं, किसान परिवार से। तो जो मेरा बचपना है और मेरी फार्मिंग फैमिली है, किसान परिवार है, खेती बाड़ी वाला परिवार है। तो जो मेरा बचपना है कक्षा 8 तक वो खेती बाड़ी वाले माहौल में बीता, घर से ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की। तो उस समय जो माहौल था गांव का और उस समय जो परिवेश था वो उस समय के हिसाब से कठिन था लेकिन उसमें नेचुरलिटी थी और गांव में क्या होता, कैसे होता, क्या दिक्कत होती है वो सब हमको, मुझे सब इसलिए पता क्योंकि हम उसको जिए हैं। फिर 9th से 10th तक हम GIC बस्ती में आए तो वहाँ से घर से आना जाना लगा रहता था। फिर बाहर वे BTEC किए, 1 साल अमेरिका में पढ़े, फिर वहाँ से लौट के आकर के यहाँ PhD किए, अभी समय डिलीट कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट हैं। तो वो जो गांव का पूरा सॉफ्टवेयर बचपने में दिमाग में बस गया है वो अभी वैसे ही अपग्रेड है, मेरा गांव से लगाव है, अच्छा है। बिल्कुल ठीक कहा। आप अपनी बुक में आपने एक बात लिखी है जो अर्ली लाइफ में आपने लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि बचपन में पैसे नहीं होते थे, जो रिसेस के बाद इंटरवल के टाइम पे जब बच्चे कुछ फूड खाते थे या कुछ बाजार से खरीद के खा लेते थे तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होते थे। आपने बुक में अर्ली लाइफ में लिखा है, कभी कभी आप पिताजी के पॉकेट से कुछ पैसे भी चुरा लेते थे। हाँ ये लिखा है इसमें, इस बात को मैंने फ्रेंकली लिखा और ये सच्चाई भी है। जैसे दोपहर में जब प्राइमरी में इंटरवल होता था तो बच्चे घर से कुछ लाते थे, खरीदते थे, हमारे पिताजी हमें नहीं देते थे। तो खाना तो बचपने में खाने पीने का जीभ कहते हैं ना, जीभ तो तेज होती है बच्चों की। तो मैं पैसे कभी कभी निकालता था और उसमें कभी पकड़ा जाता था, कभी नहीं पकड़ा जाता था। तो ये सच्चाई है और ये वो जिस चोरी को हम चोरी समझते वो चोरी नहीं थी, वो नीड बेस्ड आवश्यकता हमारी पूरी नहीं हो रही थी तो हम उसको ले, उसको चोरी वाली, वो जो चोरी शब्द है बहुत ज्यादा फिट नहीं है। सर जब आप पकड़े जाते थे तो पिटाई होती थी? हाँ, डांट डपट भी होती थी, पिटाई भी होती थी। हमारे पिताजी चूंकि किसान थे और छोटी नौकरी करते थे
तो उनकी सोच, उस समय की सोच और आज के सोच में बहुत फर्क हो गया। इस समय तो गार्जियन बच्चे का मनोभावना रीड करता रहता है कि अच्छा से अच्छा बच्चा फैशन डिजाइन वाला कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छा बॉटल में पानी पिए, अच्छे से अच्छा बैग रहे। उसको तो वो चीज मुझे नहीं लगता है। जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं है वो बेचारा चाह के भी नहीं देगा, लेकिन जिसके पास है वो विचारधारा बहुत एग्जिस्ट नहीं करती मेरा मानना। अच्छा, अब आपको लगता है बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। अच्छा, आप जो अर्ली लाइफ में आपने लिखा है, अब आप बच्चों के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आज के दौर के बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो इंटरमीडिएट तक के बच्चे हैं, उनमें किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? बेसिकली हम ये बात करना चाहते हैं कि कैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा, उसके अंदर ललक कैसे पैदा हो, कैसे एक भावना कैसे जागृत हो कि वो बच्चा IAS बनने की तरफ आगे बढ़े या फिर समाज में एक ऐसे लीड प्रोफेशन में जाने की कोशिश करे जिससे वो देश को कुछ दे पाए, समाज को कुछ दे पाए। देखिए, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं तो यूपी में क्या एक सोच है, एक जनरल सोच है, और इस सोच को हमें बहुत तेजी से बदलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान होगा समाज का। हम सोचते हैं पढ़ाई का मतलब नौकरी, कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते उससे हमारा जीवन अच्छा हो गया, हमें जीवन में सफलता मिलेगी, वो हमारे लिए जीवन में खुशहाली लाएगा और बहुत सारे फायदे होंगे पढ़ाई की, ये कोई नहीं सोचता। सोचता है कि पढ़ाई कर लो तो नौकरी मिल जाए। अब ये जो सोच है कि पढ़ाई के पीछे नौकरी छिपा हुआ, अगर नौकरी नहीं मिली तो सोचे वो पढ़ाई वढ़ाई बेकार है, इसको बदलने की जरूरत है। ये आज के 25 साल पहले ये सोच तो काम कर गई, लेकिन आज ये सोच बिल्कुल खिलाफ है। तो हमें बच्चे को 2-in-1 बनाना चाहिए। जैसे मैं उनको समझाने के लिए कहता हूँ कि मैं 3-in-1 हूँ, तो 3-in-1 अपने बाप को समझाता हूँ कि मेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी 3 IAS के बराबर है, हमने उसको 3 गुना बढ़ा लिया है बाय रीडिंग, राइटिंग, डूइंग प्रैक्टिकल वर्क ऑन द ग्राउंड। तो अनुभव और एजुकेशन के आधार पर हमने अपनी क्षमता 3 गुना कर ली। उसके लिए मैं लगातार पढ़ता हूँ, जैसे मैंने BTech किया, फिर MTech किया, फिर बाहर 1 साल गए पढ़ने, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया अमेरिका में, फिर वहाँ लौट के आए तो PhD की। इस समय डिलीट कर रहे हो, ये भी दिसंबर में पूरा होगा, इसके बाद भी पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही है, नौकरी के लिए नहीं चल रही, वो हमें बहुत सारे आइडिया देता है, इनोवेशन देता है और सफलता की ऊंचाई ले जाता है। अब स्टूडेंट को भी यही करना चाहिए, क्या जब बच्चा स्कूल में आएगा, पहले क्या होता था, हम पढ़े, हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया, तो इससे 1-in-1 निकला बच्चा, बच्चा के पास आपने ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो तो हमें पहले भी मिलता, वो कारगर नहीं है। अब 2-in-1 बच्चे को बनाना है तो क्या करना है, हर बच्चे के अंदर एक पैशन है, उस पैशन को पहचानना है। जैसे अभी आप एक बात कह रहे थे कि IAS बनना, पहले जमाने में 3-4 नौकरी तो कहते थे बढ़िया, वो सब बेकार है, क्या IAS बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना और वकील बनना, ये 3-4 इंजीनियर, डॉक्टर और IAS तीन ही को अच्छा कहते थे पहले जमाने। आज के डेट में कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा एक्शन और एक्टिविटी नहीं है जो बुरी हो, सब IAS के बराबर है। तो किसी को गाना आता है, किसी को बजाना आता है, किसी को लिखना आता है, किसी को एंकरिंग आती है, किसी को जर्नलिज्म आती है। जिसके अंदर जो पैशन है उसको डेवलप करो और प्रोफेशन में बदल दो। तो जब बच्चा स्कूल से निकल के जाएगा तो वो 2-in-1 हो गया, एक तो सर्टिफिकेट लेके जाएगा और एक उसके अंदर जो पैशन, मान लीजिए उसको गाने की कला है, तो उस गाने को इतना उसका, क्योंकि उसका पैशन है तो उसको बड़ा कम में ज्यादा आउटपुट आएगा। तो आप गूगल पे जाइए, इतने मटेरियल हैं, इतने बच्चे को वो मटेरियल दे दीजिए, वहीं से उसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं खर्च करना, आपके पैशन से संबंधित बहुत सारे मटेरियल ट्यूब के रूप में और PPT के रूप में, रिसर्च पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल इन गूगल फॉर योर पैशन। तो छोटे बच्चों के लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है टीचर्स के लिए वो अवेलेबल है, बच्चों के लिए अवेलेबल है, ये भी काफी हद तक जो है कारगर साबित हो रहा है। और ये बात मैं TV पे देखता हूँ, बहुत सारे शो होते हैं, वो बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मिमिक्री कर रहा, कोई गाना कर रहा, वो उसका पैशन है, ठीक है, पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेके जाएगा और उसके अंदर जो पैशन है उसको प्रोफेशन में बदल दो। ये जमाना आ गया और जो स्कूल ये काम नहीं करेगा वो स्कूल नहीं चल पाएगा। क्यों? जब बच्चा निकल के जाएगा उसके गार्जियन कहेंगे अरे वो हाथ पढ़ के आए तो कुछ नहीं करता है, बेकार साबित होगा, बेकार हो जाएगा बच्चा। सर, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि मैंने इंट्रोडक्शन में ये बात नहीं बताई,
लेकिन दर्शकों मैं अब आपको बता रहा हूं कि आप जो है विशेष सचिव सिंचाई भी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी इरिगेशन उत्तर प्रदेश सरकार। किसानों की बड़ी समस्या होती है और जो छोटे बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश में आप देखते होंगे जाते होंगे तो ज्यादातर लोग खेती किसानी से उनको नहीं जोड़ते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे वो खेती से जुड़े, क्लाइमेट चेंज के प्रति जो आपका काम भी है एक तरह से आप उसको पैशन की तरह लेते हैं, क्लाइमेट चेंज को आप क्लाइमेट लीडर भी हैं, तो ऐसे में आप छोटे बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना चाहेंगे, नॉलेज देना चाहेंगे कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक हो और खेती किसानी को भी अपने आप में अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। दो क्वेश्चन है। देखिए मैं आज जब स्कूलों में आजकल जाता हूं तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों से और टीचर से या सबसे पूछता हूं, अब बताइए आपकी कितनी माँ है, हाउ मेनी मदर डू यू है। सबका आंसर आता है मेरे पास एक माँ है, और सही बात यह है कि हमारे पास दो माँ है, एक माँ जो हमें पैदा करती है वो बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है, और दूसरी माँ है वो धरती माँ है, मदर अर्थ। तो एक माँ पैदा करती है और दूसरी माँ पालती पोसती है और हमारे जीवन को सस्टेन सर्वाइव करती है। तो जो मदर हमारे लाइफ को सस्टेन और सर्वाइव करती है, पालती पोसती है, उसको हम मदर मानते ही नहीं है। तो हमारी जो दूसरी माँ है जो हमें हमेशा 24 आवर पानी देती है, हवा देती है, खाना पीना देती है, सोने के लिए जमीन देती है, इसके साथ हम लोगों ने अत्याचार किया माँ के साथ, दूसरी माँ के साथ जी। तो क्या किया हम लोगों ने, पानी को बर्बाद किया, पानी को बचाया नहीं, तो पानी हमसे दूर चला जा रहा है, ये बड़ी समस्या है वाटर टेबल की। दूसरी समस्या है कि पेड़ हम काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, तो ऑक्सीजन की क्वालिटी, ऑक्सीजन का कंटेंट एटमॉस्फेयर में खत्म। तीसरी बात, हम लोगों ने इतना केमिकल यूज किया है कि अब धरती माता के पैदा करने की क्षमता, तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि जो हमारी दूसरी माँ है जो जल जंगल जमीन से बनी है उसको माता मानो, क्योंकि उस माता के साथ हम लोगों ने बहुत अत्याचार किया। रेन हार्वेस्टिंग करो, खेत का पानी खेत में रखो और खूब पेड़ लगाओ, पेड़ लगा के जिंदा रखो, ऑक्सीजन पैदा करो एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो अगर हम इतना कर लेंगे तो दूसरी माता की सेवा हो जाएगी और दूसरी माता फिर हमें सर्वाइव सस्टेन करेगी। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित भी है कि माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिज्ञा। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हमारा जो मूल एजुकेशन सिस्टम था जिसमें हम पृथ्वी को धरती को माँ कहते भी थे, मानते भी थे और उतना ही धरती माँ से लेते थे जितनी हमें जरूरत होती थी, मतलब एक जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि हम जो है उपभोक्तावादी यानी कंज्यूमरिस्ट कल्चर में जीने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये कल्चर जो पैदा इस एजुकेशन सिस्टम ने किया है इसको आप कैसे देखते हैं? हर बच्चों को जो हमने नंबर पे लाके टिका दिया है, क्या 99% नंबर लेके बच्चा आता है, आप उसे उसका क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं जो नौकरी वाले देने वाले लोग हैं। तो हमें बच्चे को 6 दिन तो पढ़ाना चाहिए और 1 दिन उसको सुबह लेके दिन भर घुमाना चाहिए, क्या किसी गांव में ले गए, किसी कुआं के पास ले गए, किसी तालाब में ले गए, कहीं शादी हो गया वहां ले जा गए बच्चों को, बारात में अचानक कहीं फंक्शन हो रहा वहां ले जाए बच्चों को, समाज में ले जा करके प्रैक्टिकल दिखाना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं आएगी जिससे कि वो समाज में कंपटीट कर सके, ये भी नहीं हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन जैसे मैं कलेक्टर था जब बांदा में, तो हमने अपने सारे प्राइमरी स्कूल को ये कह रखा था कि आप सैटरडे को टीचर और ये कहीं कहीं बच्चे को लेके घुमाने जाएंगे, तफरी करने, बच्चा घूमने मजा आता है, तो कहाँ घुमाने ले जाएंगे, BDO ऑफिस कहाँ घुमाने, हमने कहा जितने सरकारी ऑफिस है बच्चों को ले जाके घुमाओ, और मैंने अधिकारियों से कह रखा था कि बच्चे जब आएंगे तो उनको बढ़िया सेवा चाय पानी पिलाना, तो उसे क्या होता था अधिकारी को भी अच्छा लगता था और बच्चे सामाजिक चीजों को सीखते थे जिससे कि वो पढ़ाई लिखाई के बाद जीवन में कामयाब हो सके। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, जिस तरह से नंबर की दौड़ के पीछे, एक बार मेरा अपना अनुभव है सर, एक गार्जियन बैठे हुए थे बड़े निराश थे, तो हमने पूछा उनसे कि क्या दिक्कत है आपको, क्या समस्या, बोले हमारा लड़का 87% ले आया। मैंने कहा इसमें निराश होने की क्या बात है, ये जो लोगों के गार्जियन अभिभावकों के मन में जो घर बैठ गया है घर करके कि हमारा बच्चा 95 नहीं ले आया, पड़ोसी का बच्चा 95-98 ले आया,
तो जब पेरेंट और टीचर मीटिंग होती है या पेरेंट अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों को इस चीज से बाहर निकाले? खासकर आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स बड़ा, जैसा हमने बताया ना कि 87%, मैं खुद 62-64% पाया और मैं खुश हूं और बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन जो अभिभावक अपने बच्चों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, कई बार बच्चे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज भी होती होंगी सर, आप भी देखे होंगे, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे समझाएंगे आप गार्जियन? इसीलिए तो मैं 2-in-1 की बात करता हूँ। मैं स्कूल में, किसी स्कूल में जहाँ जाता हूँ, 2-in-1 का फार्मूला समझाता हूँ। 2-in-1 दवाई ही इसी बात की है कि उस बच्चे के, अच्छा बच्चा किसमें रुचि लेगा, जिसमें उसकी अपनी रुचि होगी। अब जैसे बच्चा मान लीजिए वो मांसाहारी, वो आप उसको शाकाहारी दिया जाए, उसको मजे नहीं आएगा। जो पैशन, जो टेस्ट होता है ना, जो अभिरुचि होती है, क्या जो उसका इंटरेस्ट, इनहेरेंट इंटरेस्ट होता है हर बॉडी का खेलने में, तो अब खेलने में उसको क्रिकेट पसंद है, तुम करो बैडमिंटन खेलो ना, ना ना अगर उसको क्रिकेट है तो क्रिकेट ही खेलाओ, अगर उसको फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल ही थोपो मत। उसके बॉडी में जो रुचि है उसी को उभारो, देखिए वो कितना बड़ा नागरिक बनेगा, वो कितना अच्छा नागरिक बनेगा और खुद आगे जाएगा, समाज को भी आगे ले जाएगा। अच्छा सर, आपने क्लाइमेट चेंज पर बातें की, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, पानी की बड़ी समस्या है, पानी बहुत ज्यादा हो जाए, रहीमन पानी, रहीम जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी अगर अधिक हो जाए तब भी दिक्कत है, पानी कम हो तब भी दिक्कत है। ऐसे में वर्षा जल जो संचयन को लेकर के आपकी मुहिम है, आप जिस तरह से वर्षा के जल को संचय करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमने देखा आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर ही हमने देखा कि आप कई जगह गए हुए हैं, एक घर में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है, उस पर आपने कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है कि संपर्क करिए कि ताकि हम घरों में इस तरह की व्यवस्था कर सकें। तो इससे बच्चों को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि कई बार गार्जियन जो है वो बहुत लिथार्जिक हो जाते हैं कि चलो ठीक है, देख लिया, उसको स्क्रॉल कर दिया सोशल मीडिया से, इतना अच्छा यूज है सोशल मीडिया का, इसके बाद भी स्क्रॉल कर दिया, अगली वीडियो पे पहुंच गए, अगली फोटो पर पहुंच गए। ऐसे में बच्चों को कैसे ट्रेंड करेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे कि अपने गार्जियन को कहें कि नहीं पापा, ये जो है आपको करना चाहिए, ये हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे अर्थ के लिए अच्छा है, इसको कैसे करेंगे? देखिए दो बात है, जैसे मैं बच्चों के स्कूल में जाता हूँ, मैं समझाता कैसे हूँ अपने लेक्चर में कि हम लोग पानी चोर हैं। क्या है? पानी चोर है, हम लोग ऑक्सीजन चोर है। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमने तो पैदा किया नहीं, कोई दूसरा पौधा लगाया, वहां से ऑक्सीजन पैदा हुआ और वो इन्वायरमेंट में है, हमने उसे ले लिया, तो हमने तो इन्वायरमेंट या पौधा लगाने वाले पूछा नहीं, तो हम ऑक्सीजन चोर हैं। तो हम कोई चोर कहलाना पसंद नहीं करता, बच्चे कहते नहीं हम चोरी, हम चोर नहीं कहलाना। तो अगर तुम चोर कहलाना पसंद नहीं करते हो तो उतना पेड़ लगाओ जिससे कि ऑक्सीजन पैदा हो जाए जितना लेते हो। मैं इसको ऐसे उनको चोर के माध्यम से समझाने का एक तरीका। दूसरी बात ये हम कहते हैं कि जो आप पानी, जब आप स्कूल में जो खाना खाते हो उसका इंतजाम, रहने के लिए मकान, रोशनी के लिए बिजली के इंतजाम करते हो, ये जो पानी पीते हो इसका इंतजाम कौन करेगा? पानी के मामले में लोगों का ये मानना है कि पानी का इंतजाम सरकार या कोई दूसरा कर देगा, नहीं। तो जो पानी है, एक साल में आप जितना पानी नहाने खाने धोने सिंचाई में यूज करते हो उतना पानी आपको बरसात में जब ऊपर वाला फ्री देता है उतना पानी बचाओ। तो बचाने के बहुत सरल तरीके हैं, आप घर का पानी, घर में जहाँ घर का पानी निकल रहा है, दो गड्ढा खोद दो, पानी चला जाएगा, जमीन में जाए पानी रहेगा, फिर आप जमीन से पानी निकालने के हकदार है। और अगर आप रेन हार्वेस्टिंग करके या पानी नहीं बचाते हैं तो आपको पानी पीने का अधिकार मॉरली नहीं है। तो जब ये दोनों बातें हम बच्चों को समझाते हैं तो उन्हें पिंच करता है, इसमें लॉजिक है भाई, आप पानी बचा नहीं रहे हो तो आप पानी पीने का हकदार कैसे है? आप हवा लेने का हकदार नहीं अगर आप हवा पैदा नहीं करें। तो इसी तरह से हम लोगों को बच्चों को लॉजिक, देखिए बच्चे को अगर आप लॉजिक देंगे तब तो वो समझेगा, और अगर आप उस पर थोपेंगे और उसको रटाएंगे तो इधर से सुनेगा इधर से निकाल देगा, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक बात आपने कही। और सबसे आखिरी में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपको क्या लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से है, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, और जिस तरह से बड़ी दिक्कत होती है, अंग्रेजी को एक बड़ा हवा बना दिया गया कि मतलब अंग्रेजी बहुत कठिन है, वो लैंग्वेज के तौर पर नहीं है, वो एक स्किल के तौर पर ली जाती है, लेकिन जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मदर लैंग्वेज, जो माँ की भाषा है, जो बच्चा पहले दिन सुनता है, पहले दिन से जब तक वो उसकी माँ रहती है, वो माँ से सुनता रहता है, उस भाषा में उस बच्चे को कैसे सिखाया जाए, इसको आप कितना
अच्छा मानते हैं कि मदर लैंग्वेज में जो एजुकेशन पॉलिसी का जो स्टेटस अब दिया गया है कि अब उसमें भी बच्चा पढ़ सकता है, उसको आप कैसे देखते हैं और कितना बेहतर मानते हैं? देखिए मेरे दिमाग में ये बात है क्योंकि ये मेरी भी प्रॉब्लम थी कक्षा 6 से ABC से का, अभी भी मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, रीजन बीइंग कि वी आर नॉट यूजिंग इंग्लिश इन आवर डेली यूज, इन ऑफिस और इन टॉकिंग और इन राइटिंग वी आर डूइंग एवरीथिंग इन हिंदी, तो वो इंग्लिश हो ही नहीं सकती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, फ्लो नहीं आएगा। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये मेरे जहन में आया, आजकल बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे हर ग्रुप के लिए इतने अच्छे अच्छे ऑडियो वीडियो बनाए हैं, तो मेरा ये मानना है इस समस्या के समाधान के लिए स्कूल के जो टीचर हैं या घर के जो गार्जियन हैं गूगल से सर्च करके और उससे वो इतने बेहतरीन तरीके से टीचर इतना हंसा के इतने बेहतरीन तरीके से समझाते हैं कि वो बच्चे के दिमाग में घुस ही जाएगा। गार्जियन को और स्कूल को उस चैनल से बच्चे को कनेक्ट करके और वहां से सिखाना चाहिए, वो सबसे आसान तरीका है और विदाउट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक बात सर आपने कही, जिस तरह से आपने चीजों को बताया कि अभिभावक क्या करें और क्लाइमेट के प्रति आपने जिस तरह से लोगों को जागरूक किया है, करते जा रहे हैं और लगातार इसमें और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से आप जा रहे हैं पद पर रहते हुए भी और सामाजिक दायित्व के रूप में भी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे समाज को हमारे बच्चों को फायदा होगा, हमारा देश प्रगति करेगा, हमारा उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देखिए हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर भविष्य दें, इसके साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी सुंदर और फर्टाइल धरती दें, और डॉक्टर हीरालाल सर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको सारी चीजें समझा दी, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।